मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सीताराम और तहदिल से वेलकम करता हूं अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी के अंदर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बिजी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर आपका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने जो अपना कीमती समय है उस कीमती समय का कुछ क्षण जो है आपने इस क्लास को दिया है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आपने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया है वो आपके लिए जाया नहीं जाए और वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो। और जितना भी समय आप अपनी जो भी इस ऐसा जो मैथमेटिक्स के चैनल पर जो क्लासेज उपलब्ध हो रही है उनको दे रहे हैं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के सवालों की। तो आज का जो सवाल है वो ग्राफी विधि पर आधारित रहेगा और हम बात करेंगे आज इस क्लास के अंदर ग्राफी विधि की कि ग्राफी विधि में जो है दो इक्वेशन दे रखी हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनके आंसर कैसे फाइंड करते हैं, फिर उनका डायग्राम यानी कि ग्राफ जो है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो अगर आप अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर नए हैं तो क्लास को शेयर कर दें और पुरानी जो भी क्लासेस हैं उन सभी को जाकर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सवाल आपके सामने छपा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों को आलेखी विधि से हल कीजिए। आलेख बनाना है और हल करना है। चलिए बहुत इजी और आसान सवाल है। जैसे कि सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, दो इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, पहले लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, बहुत ही आराम वाले तरीके से अपन समझेंगे इसको और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ये तो अपना मामला क्लियर है। पहले लेते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक ले ली हमने x प्लस वाई और बराबर में 14। अब हमें क्या करना है कि विद्यार्थियों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो एबीसीडी वाला अक्षर दे रखा है उसके गुणा में कुछ नहीं है, उसको इधर रखो। हालांकि आप कैसे भी कर सकते हो पर हमारा एक जो तरीका रहेगा ना हर बार उसी को यूज करेंगे हम, तो इससे क्या होगा कि अगले जितने भी सवाल आएंगे उनमें आपको कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई सा भी सवाल आप कर सको आसानी से, थोड़ा सा कठिन साबित नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस चर या एबीसीडी वाले अक्षर के गुणा में कुछ नहीं हो और वो प्लस को हो उसको इधर रख ले। जैसे इसके गुणा में भी कुछ नहीं है और इसके गुणा में भी कुछ नहीं, दोनों के गुणा में कुछ नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम x को रख लेते हैं इधर। हालांकि इसमें इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब x को इधर रख लिया तो इसको उधर भेज देते हैं, प्लस का वाई उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। प्लस के वाई को उधर भेज दिया, क्यों भेजा, हमें क्या करना है, एक चर को इधर रखना है और दूसरे को उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में, प्लस के वाई को उधर भेज दिया, माइनस में आ गया, ये एक्स का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, बराबर के इधर जो भी एबीसीडी वाला अक्षर है ना उसका मान ग्राफी विधि के अंदर हर बार आपको जो है नॉर्मली 0, 1, 2 रखना है। कब, जब बटेवा में कोई संख्या नहीं हो तो। ठीक है, बटेवा में कुछ भी नहीं हो तो, अभी इसके बटेवा में कुछ है क्या, नहीं है, तो फिर y का मान, बराबर के इधर y है, y का मान 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो। नहीं सर, मैं तो ना रखूं, तो आपकी इच्छा, आप 10 20 भी रख सकते हो, पर इतना बड़ा क्यों लेना जब आंसर आ रहा हो ऐसा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, y का मान क्या रखेंगे, 0, y बराबर 0 पर इसी में रखेंगे x, ये x, फिर बराबर, ये बराबर, चुगदा, ये चुगदा, फिर माइनस, फिर माइनस, y का मान कहां रखा अपन ने, 0, 0 रखा, 0 आ गया, x बराबर चुगदा में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है। फिर y बराबर 0 रखा ना, अब y बराबर रखेंगे अपन 1, y बराबर 1 पर इसी में रखेंगे, ठीक है, तो x बराबर चुगदा माइनस y का मान 1 रखा, x बराबर चुगदा माइनस 1 कितना हो जाएगा, 13। ये आंसर भी अपने आ चुका है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है क्या दोस्तों, नहीं है, बहुत आसान सवाल है। x का मान दो बार आ चुका है, हमें क्या करना है, x का मान या y का जो भी मान निकालो, तीन वैल्यूज निकालनी, हालांकि दो में भी आंसर आ जाते हैं पर तीन निकालने में कहीं गलती का चांस नहीं हो जाए इसलिए। तो देखना ध्यान से, ये हो चुके हैं दो मान। अब हमें क्या करना है, यहां पर y का मान 0 रखा, फिर 1 रखा, तो अब y का मान कितना रखेंगे, y बराबर 2 पर यही रहेगी इक्वेशन, एक्स फिर बराबर चुगदा माइनस y का मान रखा यहां पर 2, x बराबर चुगदा में से 2 चले गए तो 12। कोई दिक्कत है, नहीं, ठीक। अब इसका बना लो एक बॉक्स, इसको मान लिया x, इसको क्या मान लिया y मान लिया, बॉक्स में क्या रखेंगे अपन सर, कुछ सोना,
y का मान जीरो रखा तो x का मान कितना आया, 14 आया। y का मान जब रखा जीरो तो x का मान आया 14। फिर y का मान रखा 1 तो x का मान कितना आया 13। तो y का मान रखा 1 और तो x का मान आया 13। फिर y का मान रखा यहां पर 2 तो x का मान कितना आया 12। कोई दिक्कत है? नहीं है दोस्तों। ये पहली जो समीकरण थी उसका आंसर आया। अभी दूसरी को समझते हैं। अब लेंगे दूसरी का नंबर। तो समीकरण 2 से लीजिए प्यारो, इसका माजरा भी आ गया यहां पर, x माइनस वाई और बराबर 4। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो है उस एबीसीडी वाले अक्षर को इधर रखना है जिसके गुणा में कुछ नहीं हो। तो देखो दोनों के गुणा में कुछ नहीं है, क्लियर मामला, पहला काम खत्म। फिर दूसरा ये देखेंगे कि जिस संख्या को इधर रख रहे हैं ना उसके गुणा में तो कुछ नहीं है पर वो प्लस का होना चाहिए, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा नहीं जाता है ना। तो जैसे वाई के गुणा में कुछ नहीं है, एक्स के गुणा में कुछ नहीं है, पर यहां पर एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब एक्स किसका है, प्लस का। तो एक्स को इधर रखो और माइनस वाई को उधर भेज दो, समझ गए इस चीज को। जो प्लस का है ना उसको इधर रख लो, एक्स प्लस का है तो एक्स को इधर रख लो, माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो बराबर में 4 था और माइनस का वाई इधर रहेगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये हमारी एक नई इक्वेशन बन चुकी है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब वाई है बराबर में, मैंने कहा बराबर में जो एबीसीडी वाला अक्षर हो उसका मान रखना है, तो बराबर के अंदर क्या है, वाई। तो वाई बराबर, वापस वही तरीका, वाई का मान 0, 1, 2 रख दो, वाई बराबर 0 पर ये रखा 0, ये एक्स बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना रखा 0, तो ये आ जाएगा अपना आंसर जो है दोस्तों, वो आ जाएगा x बराबर 4 में 0 जोड़ेंगे कितने आ गए, 4 आ गए, आया समझ में ना। लीजिए फिर y बराबर 0 की जगह अब कितना रखेंगे 0 के बाद, 0 के बाद में आगे बढ़ते हैं 1 आता है, तो y बराबर क्या रखोगे 1 पर, x बराबर 4 प्लस वाई का मान 1, तो एक्स बराबर 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए, आया समझ में। चलिए वाई बराबर रख दिया अपन ने 0, वाई बराबर रख दिया 1, अब वाई बराबर जो है 2 पर, वापस वही इक्वेशन, एक्स एक्स बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई का मान 2 रखा तो एक्स बराबर कितना हो गया 6, आयो समझ में भाई सवाल। तो यहां तक तीनों मान हो चुके हैं, अब इसकी भी बनाएंगे अपन सारणी, यानी कि बॉक्स बना लेते हैं। ये बना लिया इसका बॉक्स, वापस वही बड़े आराम तरीके से, y का मान जब 0 था तो x का मान कितना आया 4 आया, तो y का मान जब 0 था तो x का मान 4 आया, फिर y का मान जब 1 था तो x का मान कितना आया 5 आया, ये 1 था तब ये 5 आया, फिर जब y का मान 2 था तो x का मान कितना आया 6 आया। तो मुझे ये बताइए प्यारे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं है, बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा जो है अपना ध्यान यहां पर रखना है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अपन ने सोल्व करके यहां तक दोनों के बॉक्स बना लिए, अब बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, इनको सजाएंगे, नहीं, इनको क्या करेंगे, हम टांगने वाले हैं 4π के ऊपर, यानी कि ग्राफ में। तो ये बना लिए हमने ग्राफ का पैटर्न, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष डैश। कोई तकलीफ वाली बात यहां पर आपके सामने है क्या प्यारो? नहीं है डियर स्टूडेंट। चलिए इसको बोलते हैं मूल बिंदु, मैं बता दूं साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने थे दोस्तों, 0, 0। और किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताया था, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि हाइएस्ट जो मान है ग्राफ के अंदर वो कितना है 12, 13 चुगदा दे रखा है, तो यहां पर जो हमें चुगदा लाइनें खींचनी पड़ेगी, चुगदा पॉइंट बनाने की जगह हम क्या बना लेते हैं, 2, 2 का गैप ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 8, 6, 12, 10, सॉरी उल्टा हो गया, ये 12 और ये 14 हो गया इधर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इधर लिख देते हैं, माइनस का 1 आता है, माइनस का 2 आता है, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 9। हमने यहां पर क्या किया था, अभी 2, 2 का गैप लेना था, क्योंकि 1, 1 लेंगे तो 14 लाइन खींचने में थोड़ा समय लगेगा, पॉइंट बनाने में समय लगेगा, तो 2, 2 का गैप ले लेते हैं, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8,
माइनस का 10, माइनस का 12 और माइनस का 14। इधर भी ऐसे ही माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8, माइनस 10, माइनस 12 और माइनस का 14। इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। कोई मामला, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यहां तक पूरा सवाल जो अपना एक ही पेज के ऊपर आने वाला है और मजा भी आएगा आपको। इसका जो समय लग रहा है वो 10 मिनट से ऊपर हो गया होगा शायद, पर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अगर जब आपको समझ में आ जाएगा 5 मिनट में आप 5 नंबर कमा लोगे, क्योंकि 5 या 6 नंबर का यह सवाल आता है। लीजिए अब हमें बनाना है यह ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से। एक्स का मान कितना है चुगदा और वाई का मान कितना है जीरो। एक्स का मान देखना, एक्स वाली लाइन कौन सी है, ये रही। इधर माइनस का है तो चुगदा माइनस का तो है ही नहीं अपने, जब चुगदा माइनस का नहीं दे रखा है तो किसका है प्लस का। और वाई का मान जीरो, जीरो हमेशा यहां पर आता है तो दोनों में से बड़ा कौन है, चुगदा है। तो इस पर बना लेंगे यहां पर पॉइंट। छोटा मान आ जाता है ना जीरो कभी भी, तो बड़े वाले आंसर पर पॉइंट बना दो, ठीक है। फिर एक्स का मान 13 और वाई का मान है एक। एक्स का मान 13, मुझे ये बताओ माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है, यहां पर माइनस है क्या सारणी के अंदर, नहीं है, तो माइनस का कोई रोल नहीं है, तो माइनस वाला पॉइंट तो देखना ही नहीं है हमें। 13 और 1 देखना है, तो एक्स का मान 13, 12 और 14 के बीच में क्या आएगा 13, और इधर एक्स का मान 1, 0 और 2 के बीच में आएगा 1, तो ये कहां मिलेगा मुझे ये बताओ। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहां मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। चलिए एक्स का मान 12 और वाई का मान 2, एक्स का मान, एक्स वाली लाइन ये रही, 12 प्लस का ये रहा, वाई का मान 2 ये रहा, ये यहां पर जाएगा। मुझे बताओ कोई तकलीफ आई क्या अभी तक, नहीं आई ना। बहुत ही आसान सवाल है, आपको ध्यान रखना थोड़ा सा बनाने के लिए। फिर क्या करोगे, इन तीनों पॉइंट्स को सीध में मिला दो। ये हो चुका है अपना ग्राफ पहली लाइन का, ठीक है। अब बनाते हैं दूसरी लाइन का ग्राफ। पहली लाइन जो थी ना उसका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 14, तो यहां पर लिख देते हैं अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इधर, एक्स प्लस वाई और बराबर में 14, यानी ये इस लाइन का ग्राफ बना हुआ। अब आगे x बराबर 4 और y बराबर 0, x का मान है 4 और y का मान 0, x का मान 4 ये रहा, y का मान 0 यहां पर होगा, तो मैंने बताया था आपको बड़े वाले पॉइंट को टारगेट, ठीक है। फिर x का मान 5 और y का मान है 1, x का मान 5 y का मान 1, x का मान 5, 4 और 5 के बीच में, सॉरी 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, और y का मान 1 यहां पर आएगा, तो ये कहां पर मिलेगा, यहां पर मिल चुका है। फिर x का मान है 6 और y का मान है 2, x का मान 6 ये रहा और y का मान 2 ये रहा, ये मिला यहां पर दोस्तों। तो इसको भी हम कर लेते हैं टारगेट, और तीनों पॉइंट मिल चुके हैं एक सीध में। तो ये अपना क्या हो चुका है प्यारे दोस्तों ग्राफ। ये किस लाइन का था, तो ये इसका था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत वाली बात, ये हो चुका है ग्राफ वाला सवाल, बड़े ही आसान वाले तरीके से हमने ढूंढ लिया। अब पैमाना भी लिखना पड़ता, हालांकि और भी बाकी है इसमें, पैमाना लिखना पड़ता है। तो पैमाना कैसे लिखते देखना, पैमाना कहां पर लिखते हैं, एक तो लिखते हैं एक्स एक्स पर, लिखना कैसे है देखना, एक सेंटीमीटर बराबर, याद रखना आपको इकाई, और फिर वाई एक्स पर एक सेंटीमीटर बराबर इकाई, ऐसा तो याद रखना आपको, है ना, एक सेंटीमीटर बराबर इकाई और एक सेंटीमीटर बराबर इकाई, एक्स एक्स पर वाई एक्स पर। अब मुझे ये बताओ जो एक्स एक्स वाली जो लाइन है ना, एक्स एक्स वाली जो लाइन है कितने कितने बढ़ रहे, 2, 4, 6, 8, 10, दो दो बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे, सब साइड में दो दो बढ़ रहे हैं, तो एक्स एक्स पर पैमाना कितना हो जाएगा, 2 इकाई, यानी एक सेंटीमीटर, यानी एक सेंटीमीटर का जो डब्बा है उसको अपन ने कितने सेंटीमीटर का लिया, 2 सेंटीमीटर का लिया, ठीक है। फिर y का नंबर, तो y पे भी दो दो बढ़ रहे, नहीं बढ़ रहे भाई, y पे भी दो दो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एक सेंटीमीटर बराबर ये भी कितना हो चुका है, 2 इकाई हो चुका है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या आपके लिए, नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो सवाल है अपने बहुत ही इजी और आसान तरीके से यहां पर समझ लिया कि ग्राफ वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पर अपनी समाप्त होती है, क्योंकि समय नहीं है आज के लिए इतना, तो एक सवाल से अपन खत्म करना चाहेंगे, पर सवाल काफी अच्छा है और मस्त है। पूरा सवाल मैंने आपको क्लियर यहां पर करवा दिया कि ग्राफी विधि में पहले जो इक्वेशन दे रखी है दोनों, उनको अलग अलग सॉल्व करो, बॉक्स बना लो दोनों के, बॉक्स बनाने के बाद आपको ये आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है, और फिर पैमाना भी यहां पर आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और भी आंसर पूछे साथ में कि ये कहां पर कट कर रहा है, तो ये भी बता सकते हो, जहां पर कट किया इधर से एक्स का मान लिख दो और इधर किसका मान लिख दो, वाई का लिख दो। पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं
तो सभी क्लासेस देखें और क्लास अच्छी लगती है तो अपने जितने भी कॉन्टेक्ट हैं सब्सक्राइब बाद में करें, और पहले जो जितने भी कॉन्टेक्ट हैं अपने कॉन्टेक्ट में क्लासमेट्स के साथ जो है इस क्लास को शेयर कर दे, ताकि हमें भी मजा आए पढ़ाने में और आपको भी जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखे भाई के प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में थोड़ा थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे आनंद बढ़ेगा। और आपके लिए जो है दोस्तों 100% श्योर है कि जितनी भी मैं क्लासेस डालने वाला हूं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपने रिविजन में देखना हो, चाहे आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आपने ये क्लासेस देख ली है तो आपके लिए मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और क्लास को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सीताराम।